हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का पेज नंबर 4 हिस्ट्री। इसके पहले हम बाकी पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 में एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार इंडिया में कैसे फैलाया। इसके बाद इसके पहले आप लोग सब पढ़ ही चुके हैं कि ब्रिटिश ने, फ्रेंच ने, पुर्तगाली ने हमारे देश में कैसे व्यापार करने आए हैं। अब हम पढ़ेंगे उनने अपने व्यापार, अपने बिजनेस को कैसे फैलाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार अच्छे से कर भारत में वो फैला नहीं पाए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने जहांगीर थे जो उस समय इम्पायर थे मुगल के, उनसे परमिशन ली और क्या किया, सूरत में ट्रेड सेंटर खोलने की। कब ली, 1613 में उन्होंने सबसे पहले सूरत में ट्रेड सेंटर खोलने की परमिशन किससे ली, जहांगीर से ली। इसके बाद सर थॉमस जो थे वो क्या करते थे, किंग जेम्स के जो सूचना या जो उनके कुछ मैसेज थे वो मुगल कोर्ट में सूचना देने का काम करते थे। क्या करते थे, वो जो सूचनाएं रहती थी उसको कहाँ ले जाते, जो पहले मुगल कोर्ट चलता था उसमें वो सूचना देने का काम करते थे। इसीलिए उन्हें क्या हुआ, जहांगीर ने अलग अलग जगह ट्रेड खोलने को मुगल एम्पायर परमिशन मिलती गई। और क्या हुआ, जहांगीर के समय में अलग अलग जगह क्या हुआ, ट्रेड या व्यापारिक सेंटर खोलने की परमिशन किसको मिलती गई, ब्रिटिश को। इसलिए क्या हुआ, हमने सबसे पहले जब सूरत, अहमदाबाद, आगरा और बालूची में कंपनियां खोल दी, अपनी बिजनेस यहाँ यहाँ हमने खोला और अपना बिजनेस फैलाया। जब क्या हुआ, इंग्लैंड के इम्परर चार्ल्स की क्या हुई और फ्रांसिस कैथलीन से शादी हुई, उस समय ब्रिटिश को क्या हुआ, एक मुंबई में उनका राज करने का वो मिल गया या उनको अधिकार मिल गया। ऐसे ही पूर्वी तरह के सेंटर थे, पूर्वी मतलब जो ईस्ट के तरफ से जो सेंटर थे उसमें भी उनने क्या किया, हुगली और पटना और में बाजार खोला। उसमें क्या करा, उनने अपने बाजार या अपने मार्केट को फैलाया। अब क्या हुआ, 1707 इन ईस्ट इंडिया, 1707 में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हुआ, व्यापारिक अधिकार के लिए, मतलब उनको व्यापार करने के लिए अधिकार चाहिए था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी जॉन सरमन और विलियम हैमलेट्स मिलने आए। किससे मिलने आए, मुगल एम्पायर जो मुगल का राजा उस समय था उनसे मिलने आए। और जब वो मिलने आए तो वो क्या थे, मुगल एम्पायर क्या थे, बहुत बीमार थे, बहुत ज्यादा बीमार थे, बिस्तर में पड़े हुए थे, उन्होंने अपना कुछ काम धाम करना सब बंद कर दिया था। तो वो दोनों ब्रिटिश के थे जो मिलने आए, उन्होंने मिलने आए और जब उन्होंने उनको देखा एम्परर को, तो उन्होंने उनको कुछ राय दी या कुछ बताया, इलाज बताया या कुछ ऐसा कुछ आप करो जिसके क्या हुआ, जिसको करने से क्या हुआ, जो एम्परर बिल्कुल ठीक हो गए, जो राय दे के गए थे विलियम ने, उनने क्या हुआ, उसको करने से जो एम्परर थे बिल्कुल ठीक हो गए। तो इससे क्या हुआ, एम्परर तो जो वहां का था वो खुश हो गया और उसने खुश होकर क्या किया, ब्रिटिश कंपनी को और सुविधाएं दी। किसको दी, ब्रिटिश कंपनियों को एम्परर ने खुश होकर और भारी बहुत सारी सुविधाएं दे दी। इसलिए क्या हुआ, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में, जो बंगाल का एरिया था वहां पे, वो क्या हुआ, बिना टैक्स के काम कर सकती थी, ये अधिकार दे दिया उनको। टैक्स सबको मालूम है टैक्स क्या है, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो टैक्स फ्री वहां पे काम करने लग गई। और उनको क्या हुआ, जो उनके पुराने थे, उनके पुरानी उधारी थी, जो भी कर्जे थे और जो भी समय था, उनको क्या करा, उन्होंने माफ कर दिया। किस कारण, उनके ठीक हो गए, इस खुशी में उन्होंने क्या करा, वो सब चीजें उनके लिए माफ कर दी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंग्लो फ्रेंच रिवाइवल एंड द वॉर, मतलब ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में युद्ध कैसे हुए, युद्ध या उनकी दुश्मनी कैसे हुई, किस कारण था। इस कंपनी के वॉर में जाने से पहले, ये दोनों कंपनी कौन थी, फ्रेंच की और इंग्लो मतलब ब्रिटिश कंपनी की, इनके वॉर हुआ, पर इसमें हम जाने से पहले इनके बारे में हम कुछ जानते हैं कि ये दोनों कंपनियां कैसे थी और किस कारण से इस कंपनियों के बीच में वॉर हुआ या इनकी दुश्मनी हुई, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी, ईस्ट इंडिया थी जो हमारे इसमें ब्रिटिश ने जो करते थे काम वो क्या था, एक प्राइवेट कंपनी थी, जबकि फ्रेंच कंपनी जो थी वो क्या थी, गवर्नमेंट के हैंडओवर थी, गवर्नमेंट उसका संचालन करती थी, उससे करती थी। और ईस्ट इंडिया के जो सारे डिसीजन थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी खुद लेती थी, जबकि जो फ्रांस थी वो क्या, गवर्नमेंट पे उसको रहना पड़ता था, गवर्नमेंट जब चाहेगी तब लेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने डिसीजन तुरंत ले लेती थी। इससे क्या हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, वो बहुत मेहनत से काम करते थे और बहुत ज्यादा काम करते थे, अपना काम पूरा लगन से करते थे। वहीं पर क्या था, फ्रेंच कंपनी जो फ्रेंच के लोग थे वो काम क्या करते थे, बहुत उससे काम करते थे, उन पर कोई ज्यादा लोड नहीं रहता था और वो अपना काम आराम से धीरे धीरे करते थे।
अब तो ब्रिटिश का जो एरिया था, ब्रिटिश ने अपना एरिया को क्या था, बहुत ज्यादा फैला लिया था, बहुत अपना व्यापार चारों तरफ उसने फैला लिया था। जबकि फ्रेंच का था जो उसका बिजनेस सेंटर एक ही जगह पे था, कहाँ था, पॉन्डिचेरी में, पर वो काफी बड़ा था, उसका बिजनेस एक ही जगह में था। दोनों कंपनी अपना व्यवसाय फैलाने के होड़ में, मतलब दोनों कंपनी क्या चाहती थी, हमारा व्यवसाय ज्यादा हो जाए, फ्रेंच चाहती थी हमारा व्यवसाय, इस चक्कर में दोनों में होड़ लगती कि मतलब कौन अपने व्यापार को, कौन अपने एरिया को बढ़ा सकता है। और इस चक्कर में क्या हुआ, दोनों कंपनियों के बीच में युद्ध हो गया, दोनों कंपनियों के आपस में युद्ध हुआ, है ना। और इसके बारे में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वॉर इन, तो क्या दिया उसमें, इस वॉर कैसे हुए, तीन युद्ध हुए, हम तीन युद्ध को कैसे, उसका क्या रिजल्ट रहा, क्या परिणाम रहा। नेक्स्ट पढ़ा, यहाँ पे पढ़ना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियां थी, दोनों क्या करना था, उनको लाभ कमाना था, दोनों को फायदा कमाना था। और दोनों कंपनी काफी मेहनत से लाभ कमाने में या फायदा कमाने में लगी थी, ज्यादा प्रॉफिट हमको चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट हमको चाहिए। इस चक्कर में क्या हुआ, और दोनों क्या करते थे, राजनीति में घुसने के लिए दोनों बाजार में कब्जा करने का विचार था। वो क्या चाहते थे, जो इंडिया का मार्केट था और जो उनके राजनीति थे उसमें वो क्या करना चाहते थे, अंदर घुसना चाहते थे ताकि उनको मार्केट में कब्जा मिल जाए या मार्केट के अधिकार मिल जाए, ज्यादा समय तक वो कर सके। और बाजार में पकड़ बनाने के लिए इंडिया स्टेट के क्या करे, उसने अंदरूनी मामले, जो इंडिया या वहाँ के एम्प्रायर थे उनके जो आंतरिक मामले थे, जो गुप्त रहते हैं, जो किसी को नहीं बताया जाता है, उसके मामले में भी वो हाथ डालने लगे। फिर क्या, वो फ्रेंच का बड़ा सेंटर जो था पांडिचेरी में और ब्रिटिश का था मद्रास में, इनका सबसे बड़ा ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे था, यहाँ पे। और दोनों एक दूसरे को बाहर निकालने की कोशिश के, दोनों ये चाहते थे कि मार्केट से ये बाहर चले जाए, फ्रेंच चाहती थी कि ब्रिटिश जो थे वो मार्केट से बाहर चले जाए, और ब्रिटिश ये चाहती थी कि फ्रेंच मार्केट से बाहर चले जाए। अब दोनों क्या करते थे, एक दूसरे को निकालने की कोशिश करते थे कि दोनों मार्केट में से बाहर चले। इसलिए क्या हुआ, उनके बीच में युद्ध हुआ, उनके बीच में युद्ध हुआ, और इनके बीच में तीन युद्ध हुए, है ना। इनके बीच में किसके, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में तीन युद्ध हुए, और हम इन तीनों युद्ध को जानने के लिए आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, है ना। थैंक यू।